देश में बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट और वैक्सीनोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि अभी बच्चों को टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट ने ऐसा क्यों कहा, और वो भी ऐसे समय में जब हम देश की 100% आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। अभी ट्रायल्स के अंतरिम नतीजे ही DCGI को सौंपे गए हैं। हमें फाइनल डेटा का इंतजार करना होगा। साथ ही हमें ऐसा टीका बनाने की जरूरत है जो कि बच्चों को सभी कोविड वेरिएंट से सुरक्षा दे सके। इसके साथ ही डॉक्टर कांग कहती हैं कि कोरोना महामारी एंडेमिक की ओर है, वही संभावित तीसरी लहर को लेकर राहत देते हुए डॉक्टर कांग ने दावा किया है कि यह लहर स्थानीय आउटब्रेक के रूप में होगी। हालांकि यदि वायरस म्यूटेट करता है तो हालात बदल भी सकते हैं। बच्चों पर बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि 60% बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी है, जिसका मतलब है कि वे कभी न कभी संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान और टीका को विकसित करने की क्षमता की भी सराहना की।